हेलो दोस्तों, मैं भी कांश कुमार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार पांडाल डेकोरेशन ट्रस्ट एंड पिलर एंड विन पे कैसे किया जाता है तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा जो बड़ा पांडाल डेकोरेशन कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इसको सजा सकते हैं। तो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा डिटेल में। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा पांडाल डेकोरेशन किया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है। तो इस पांडाल डेकोरेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना, कुछ भी सीखना है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और देख लो दोस्तों ये हमारा जो है पहले 12 बाई 12 में इसको खड़ा किया गया था और 15 बाई 15 में इसको जो है ऊपर का जो है चौड़ाई लंबाई जो है सब 15 बाई 15 थी और जो खड़ा किया गया था 12 बाई 12 में खड़ा किया गया था। और ये अब इसमें जो है हमारा जो है डबल ट्रस्ट लग गया है, 15 बाई 15 में ये चार ट्रस्ट साइडों बनाकर लगाए गए हैं। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये साइडों बनाकर, ये देखिए दोस्तों ये साइडों में चार ट्रस्ट लगाए गए हैं, फ्रंट पे भी साइड साइड में भी दो ट्रस्ट लगाए गए हैं। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो गुम्बज बनाया जा रहा है ये 8-8 फीट का गुम्बज बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारे जो है ये पंडाल के ऊपर रखा जाएगा, गुम्बज बनाया जाएगा, वो गुम्बज बन रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये गुम्बज बनाया जा रहा है। और हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो गुम्बज नहीं बना पा रहे थे, मंडप टाइप का गुम्बज जो मंदिर टाइप का ये बनता है, तो उस टाइप का मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको कुछ जानना, कुछ सीखना है तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये मंदिर बनता है, किस तरह से पूरा अच्छे से इसको बांधा जा रहा है, किस तरह से इसको सारा सेटअप सेट किया जा रहा है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको बनाना है, सीखना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दें। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा बन रहा है, किस तरह से ये पूरा तैयार हो रहा है। जब आप तैयार हो जाएगा, जब आप देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या अच्छा सा खूबसूरती से ये पूरा हमारा जो है पांडाल डेकोरेशन तैयार हुआ है। आप इंट्रो में ज़रूर देखे होंगे क्या गजब का लुक था, तो उस टाइप का ये पूरा बनने वाला है, उस टाइप का पूरा तैयार होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को इससे ही देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा अच्छे से बांधा जा रहा है, किस तरह से इसको अच्छे से सारा ट्रस्ट, इसमें मैं आप सभी को बता दूं इसमें टोटल आपका जो है ट्रस्ट मैं आप सभी को बता दे रहा हूं तो कितना लगेगा। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा हम आपको बता देते हैं। तो ये हमारा जो है 4 8 8 ट्रस्ट ऐसे हो जाएगा, 8 3 11 11 ट्रस्ट पूरा टोटल, इसमें 11 ट्रस्ट लगाए जाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ कैसे कैसे 11 ट्रस्ट लगाया जाएगा, 8 फिट का 11 ट्रस्ट लगेगा इसमें। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से इसमें लगाया जा रहा, बांधा जा रहा, सेटअप किया जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों आप भी अगर चाहें तो इस तरह से बांध सकते हैं, इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। और कितने नीचे अगर जोड़ने पे आप कितने नीचे आप जोड़ सकते हैं कि ये हमारा जो है मंदिर टाइप का बनेगा, तो वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में ही बताऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पर ऐसे ही बने रहिएगा। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से इसको बांधा गया, किस तरह से इसको अच्छे से ये मंदिर से मंदिर टाइप का एकदम टोटल ये मंदिर टाइप का बनेगा। तो देख लीजिए दोस्तों पूरा ये बांधा जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है ये कुछ सारे रसरियों को, सारे ट्रस्ट को अच्छे से ये पूरा बांधना है। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से इसको अच्छे से इसको टाइट से बांधा जा रहा है। और देख लीजिए दोस्तों वहाँ पे ऊपर ये लगाया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसको बैठाया जाएगा। ये हमारा जो है बीच में ट्रस्ट लगाया गया 15 फिट का, जो चौड़ाई है 15 फिट की चौड़ाई है, उसी चौड़ाई पर यह पूरा रखा गया है। ये देखिए दोस्तों ये 10 फिट का बीच में राउंड भी लगाया गया है। और देख लीजिए दोस्तों 3 फिट का जो है नीचे ट्रस्ट लगाकर इसकी हाइट दी गई है, ये हमारे जो है। और देख लीजिए दोस्तों ये साइडों बनाया गया है। और ये देख दोस्तों ये पूरा इसका साइड का व्यू कितना खूबसूरत, कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। ये बीच में हमारा 10 फिट का राउंड रखा गया है। और देख लीजिए दोस्तों इसकी हाइट जो है 15 फिट टोटल की गई है। और इस नीचे से ये हमारा जो है एक इस तरह से ये पूरा लग रहा है, ये बैक होकर, ये पूरा बैक होकर ये पूरा अच्छे से डेकोरेशन किया जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा अच्छे से लुक दिया जा रहा है। और देखिए दोस्तों ये हमारा जो है
ये हमारा एक फीट छोड़कर इसको एक फीट उठाकर इसको बांधा जा रहा है। दोबारा दूसरा ट्रस इसमें जो बांधा जा रहा है, एक फीट उठाकर बांधा जा रहा है, एक फीट नीचे छोड़कर ऊपर बांधा जा रहा है कि ये हमारा जो है मंदिर टाइप का, देखिए ये मंदिर टाइप का शेप दिया जा रहा है, लुक दिया जा रहा है। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा अच्छे से इसको यहीं पे बांध दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो ऊपर भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क है, बांधने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ से बांध कर ऊपर चढ़ाया जा रहा है। हम तो आपसे यही कहेंगे थोड़ा आप ऊपर ही अगर बांधना चाहें तो ऊपर भी बांध सकते हैं, रख कर बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। या देख लीजिए दोस्तों ये हमारे जो है यही हम इसको नीचे ही तैयार करवा दे रहे हैं। अब इसको हम ऊपर चढ़वाएंगे, अब ये तैयार होने के बाद इसको हम ऊपर चढ़वाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा तैयार हो चुका है और साइड साइड में सारे ट्रस जो हैं लग चुके हैं। और देखिए दोस्तों किस तरह से इसका पूरा व्यू आ रहा है, किस तरह से इसका पूरा लुक आ रहा है। ये हमारा जो है 11 टोटल इसमें 11 ट्रस लगाए गए हैं, 3 ऊपर लगाए गए हैं और ये हमारे जो है साइड साइड में जो ट्रस लगाए हैं 4 खड़ा गया गया है, फिर उसके बाद 4 ऊपर लगाया गया है, फिर ये हमारे जो है 3 ऊपर लगाया गया है, 8 3 11 ट्रस टोटल लगाए गए हैं। और देख लीजिए दोस्तों ये हमारे जो है पूरी कंप्लीट, ये हमारी जो है ये पंडाल डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। और देख लीजिए दोस्तों इसका व्यू मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट व्यू मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। और देख लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है ट्रस्ट ऊपर चढ़ चुका है और ऊपर ये पूरा बना चुका है और इसका जो है फ्रेमिंग कपड़ा फूल वूल सब कुछ ओके हो चुका है। और किस तरह से ये पूरा लग रहा है, किस तरह से इसका पूरा व्यू लग रहा है, आपको इस तरह का पंडाल डेकोरेशन करना है सीखना है तो प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पर जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से इसका पूरा लुक किस तरह से ये पूरा सारा। और साइड में मैं आपसे एक बता दूं, देख लीजिए दोस्तों इसकी साइड जो दी गई है साइड वो बनाए गए हैं और ये दोस्तों किस तरह से इसका पूरा व्यू लग रहा है। 6.5 फीट का ये मतलब जो है साइड वो इस साइड में बनाया गया है, फिर उसके बाद बीच में जो है हमारे 4 फीट का दिया गया है साइड वो। और देख लीजिए दोस्तों उसके बाद में ये हमारा जो है 3 फीट का साइड वो दिया गया है और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों ये हमारा 10 फीट का राउंड भी रखा गया और फिर उसी साइज में उस साइड भी उसी साइज में जो है हमारा दिया गया है। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से उसका पूरा मंदिर टाइप का ये पूरा बनाया गया है आगे फ्रंट से। अभी अंदर भी मैं आप सभी को ले चलूँगा मंदिर, वो मूर्ति भी डेकोरेशन मैं आप सभी को दिखाऊंगा किस तरह से उसको मूर्ति भी डेकोरेशन किया गया, किस तरह लुक कितने अच्छे से लुक उसका भी दिया गया। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से पूरा इसका व्यू लग रहा है। और देख लीजिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार ये पूरा पंडाल डेकोरेशन किया गया है। और देख लीजिए दोस्तों ऊपर का हिस्सा, देख लीजिए दोस्तों ऊपर में जो है हमारा वाइट कपड़े में हुआ है और ऊपर जो है एक झंडा लगाया गया है। देख लीजिए दोस्तों किस तरह से अभी मैं आपसे को दिखाऊंगा वो भी मैं। और देख लीजिए दोस्तों ये हमारे जो है फाइबर मटेरियल की 2 मोर भी लगाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और देख लीजिए दोस्तों ये हमारे जो है ये हमारे जो है बॉर्डर, ये हमारे जो है ये पुल पे जो है ये हमारे जो है इस पर लाइट लगाए जा रहे हैं इसको जो है नाइट में। अभी हम आपसे को दिखाएंगे नाइट में इसका व्यू जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार बहुत ही मस्त लुक आ रहा है नाइट का भी। तो मैं आपसे को नाइट का भी दिखाऊंगा किस तरह से इसका नाइट में व्यू आता है लगता है। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है दिन का है और कितना मस्त कितना अच्छा लुक आ रहा है तो आप सभी को दिख ही रहा है। और साइडों भी इसका जो है इसकी जो है चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है और कितना यूनिक कितना मस्त डेकोरेशन किया गया है। तो प्लीज़ तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है ये हमारी जो है डिटेलिंग वाली वीडियो आप सभी को कैसा लगा और भी कुछ इस वीडियो में वैसे पंडाल डेकोरेशन के बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पर जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और देख लीजिए दोस्तों इस तरह का कोई भी आपको डाउट होगा इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ तो आप मेरे नंबर पे मेरे यूट्यूब चैनल मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और देख लीजिए दोस्तों ये हमारी जो है सारी परलाइटें इसमें जो है 24 परलाइटें लगाए गए हैं फ्रंट से ही, मैं आपसे को दिखा दे रहा हूँ फ्रंट से ही। देख लीजिए दोस्तों ये नाइट का व्यू है और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से 24 से परलाइट ये फ्रंट से दिया गया। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये पूरा चमक रहा है, किस तरह से ये पूरा खिल रहा है, किस तरह से इसका व्यू लग रहा है जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार चमक रहा है। लाइट भी बहुत ही मस्त इसमें मारे गए दिए है। और देख लीजिए दोस्तों किस तरह से इसका
जो है पूरा व्यू लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट डेकोरेशन कैसा लगा प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पर जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और भी कुछ इस पंडाल डेकोरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो देख लो उस मूर्ति के अंदर अंदर का लुक, अंदर का डेकोरेशन क्या खूबसूरती के साथ डेकोरेशन किया गया, डिजाइनिंग किया गया है। तो इस तरह का आपको भी डिजाइनिंग, इस तरह का आपको भी पंडाल बनाना है, सीखना है, तो प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पे जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस पंडाल डेकोरेशन के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है एंड आप कुछ भी नहीं इसमें समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, तो प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पे जरूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे को उस चीज़ को डिटेल में बताऊँगा, समझाऊँगा। और देख लो दोस्तों, ये हमारे जो है ये पूरी पंडाल जो है बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा बनाया गया, अच्छे से इसका पूरा व्यू दिया गया है आप सभी को। देखते हैं ऊपर झंडा भी लगाया गया है, और ये उसकी जो है पूरी हाइट में आप सभी को बता दूं 15 और 8 जो है हमारा, जो है 15 8 से ये हमारा हो जाएगा, ये 33 फीट का ये हमारा जो है ये पूरी हाइट, और 33 और 8 40 फीट की ये टोटल हाइट इसकी पंडाल की, पूरी 40 फीट की हाइट दी गई है। और देख लीजिए दोस्तों, ये मुझे जो है ये पूरा गुफा उफा बनाकर, ये मंदिर टाइप का पूरा बनाकर ये 40 फीट की इसकी पूरी हाइट दी गई है। तो प्लीज़ तो अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी दोस्तों बाय, एंजॉय माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, देख लो आपसे क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए दोस्तों गुड बाय।